नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न संस्कृतियां हैं और विभिन्न परंपराएं आज भी जीवित हैं। भले ही कई परंपराओं को सरकार द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। हम बात कर रहे हैं झाबुआ जिले की, जहां पर गाय गोहरी ऐसा ही एक पर्व है जो कि हर वर्ष लोग मनाते हैं। दीपावली के अगले दिन शुक्रवार को झाबुआ जिले सहित संपूर्ण ग्रामीण अंचलों में अनूठी परंपरा निभाई गई। ग्रामीण इसे गाय गोहरी कहते हैं। परंपरा के तहत मन्नत पूरी होने पर मन्नतधारी जमीन पर लेटते हैं और उनके ऊपर से दर्जनों गायें गुजरती हैं। इस दौरान ग्रामीण जयकारे भी लगाते हैं। शुक्रवार सुबह से ही ग्रामीण अंचलों में मन्नतधारी पहुंचे और अपनी मन्नत जमीन पर लेटकर उतारी। गाय गोहरी पर्व पर गायों का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में ग्रामीण गाय गोहरी को देखने के लिए पहुंचते हैं और अपनी आंखों से गाय गोहरी के इस नजारे को देखते हैं और जयकारे लगाते हैं। गाय गोहरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांव, आसपास के सारे गांव इकट्ठे होते हैं और बड़ी आस्था और विश्वास और हर्षोल्लास के साथ गाय गोहरी का त्यौहार मनाते हैं। गाय गोहरी में बहुत संख्या इकट्ठी होती है, यहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार की संख्या इकट्ठी होती है और हर साल इस दिन गाय गोहरी का त्यौहार मनाया जाता है। पूजा अर्चना भोग बहना करते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा गाय गोहरी पर्व मूलतः आदिवासी परंपरा है, मगर मालवांचल के कुछ गांवों में भी इसे मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासी बताते हैं कि यह परंपरा वर्षों पुरानी है और कभी भी कोई दुर्घटना या कोई घायल नहीं हुआ। ग्रामीण मानते हैं कि गोवर्धन और गोवंश से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद आस्थावान इस रस्म में शामिल होते हैं और अपनी मन्नत जमीन पर लेट कर उतारते हैं और उन पर से कई गायें गुजरती हैं। गाय गोहरी इसलिए मनाते हैं कि राम उसमें सावन को मार के राम विजय करके आए थे, जब से दीपावली पर्व मना रहे हैं। उसके बाद में फिर लक्ष्मी पूजन होता है, दूसरे जिस दिन गाय गोहरी होती है उस दिन गोवर्धन पूजा होती है। गाय गोहरी के पहले चापा पूजते हैं आदिवासी लोग और गाय गोहरी गिरती है,